क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं, कल SDM कोर्ट में भेजी थी। इन लोगों के परिवार के द्वारा मेरे फ्लैट पर कब्जा किया गया है, तो बेदखली। गत रात्रि में पत्रकार अखिलेश सोनी पर गोलू उर्फ आदित्य रैगवार और उसके दोस्तों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर में दिन दहाड़े हो रहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला। हाल ही में कल रात जबलपुर आधारताल क्षेत्र कमला भंडार खेरमाई फाटक के पास आदतन अपराधी गोलू उर्फ आदित्य रैगवार और उसके दोस्तों द्वारा धारदार बाके से पत्रकार अखिलेश सोनी पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे सर में चोट लगी और टांके भी लगे। गोलू उर्फ आदित्य रैगवार एक आदतन अपराधी है और उसके ऊपर कई मामले भी दर्ज हैं। पत्रकार अखिलेश सोनी के प्रॉपर्टी पर आदित्य रैगवार की बुआ ने कब्जा किया हुआ है, जिसका SDM कोर्ट में बेदखली का केस लगा हुआ है और गवाही होने वाली है, जिससे आदित्य रैगवार उर्फ गोलू ने पत्रकार को धमकाया, गाली गलौज दिया और जान से मारने की धमकी भी कई बार दे चुका है। आज उसने अपने एक दोस्त आशीष शुक्ला के द्वारा फोन करके आधारताल क्षेत्र कमला भंडार के पास बुलाकर बाके से सर पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके पर पत्रकार अखिलेश सोनी बेहोश हो गए। पुलिस ने तुरंत मिडास हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अभी पत्रकार बेहोश पड़े हुए हैं, डॉक्टर द्वारा इलाज चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस ओर क्या संज्ञान लेती है और दोषियों पर क्या कार्यवाही करती है और जनता की आवाज उठाने वाले कलमकार को क्या न्याय मिल सकेगा। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। क्या हुआ था आपके साथ? कल SDM कोर्ट में भेजी थी। इन लोगों के परिवार के द्वारा मेरे फ्लैट पर कब्जा किया गया है, तो बेदखली की कार्रवाई होनी है, उसमें गवाही होनी है। तो उसके चलते कल इनके वकील ने उधर आपत्ति भी ली थी कि हमें समय दिया जाए। SDM साहब ने कहा कि हम 90 दिन का आपको समय दे चुके हैं, जिससे ज़्यादा का समय नहीं देंगे, आप गवाही करवाओ। तो इनने मेरे ऊपर हमला इसलिए किया जिससे जो मेरे पक्ष में गवाही देने वाले हैं वो डर जाएं और गवाही ना दें। इसके कारण इनने मेरे ऊपर आज करीब 11:30 बजे 12:15 बजे बका से हमला कर दिया। गोलू दुर्गा प्रसाद के लड़के ने, गोलू ये आदित्यन अपराधी है, नाबालिगी से अपराध करते आ रहा है। इसकी एक बड़ा गिरोह है जिसके चलते इन लोग मकान खाली करवाना, लोगों को आए दिन चाकू मारना, दहशत देना, रंगदारी वसूली करना, इस टाइप के कृत्य हैं इनके। और दो नंबर के काम करना ये चाहते हैं कि मैं इनसे डर के वो मकान छोड़ के उधर से हट जाऊं। आज भी यही उसने कहा कि तुम ये सब मत करो, नहीं तो तुम्हें ना जिंदा रहोगे तो क्या करोगे ऐसी दौलत का। और बस बगा मार दिया दहशत देने के लिए। इस तरीके के अपराधियों को पुलिस भी पैसा फेंक के छूट जाते हैं।